और ये हमें पता चलता है उनके एयूएम से। अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड की एयूएम की बात करें तो 6.5 लाख करोड़ का औसत भी अब कंपनी ने पार कर लिया। और इस आंकड़ों को छूने के साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड अब देश का सबसे बड़ा एयूएम वाला फंड हाउस बन चुका है। इसके पीछे की वजह क्या थी, किस तरह से ये ग्रोथ देखने को मिली है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीबीओ डीपी सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इसमें आपको थोड़ा और जानकारी देंगे। आइए आपको सुनवा देते हैं उनकी बातचीत का एक अंश। एक ही चीज एसबी म्यूचुअल फंड में देखी जाती है कि जो निवेशक है उसका जो इंटरेस्ट है कैसे हम वॉच कर सकते हैं, कैसे उसकी उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि उसके लिए जो ठीक है वही किया जाए और ऐसे ही प्रोडक्ट लेके आई जाए जो कि सिंपल हो समझने में, जिसको वो लंबे समय तक निवेशक अपना पैसा डाल सके। अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा वैसे ही प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि समझने में आसान हो, हिंदुस्तान के हर कोने में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो वही हमारी नीति रही है। हमने बैलेंस एडवांटेज फंड जो अभी हमने अगस्त में लॉन्च किया था वो आज 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। हमारा लगभग 50,000 करोड़ का फंड हो गया और हमारे देश में सबसे बड़ा फंड रहेगा और एक निवेशकों के लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और हमारा बिल्कुल एक रहता है कि कोई भी चीज हो बिल्कुल साधारण हो, निवेशक को समझ जाए और निवेशक के इंटरेस्ट में जो चीज हो वही करनी चाहिए। जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है उसकी वजह से भी एक रीजन है कि लोग करना भी चाहते हैं, परंतु तो ये भी नहीं कि एक मुफ्त एक पैसा डाल दें, लमसम एक पैसा डाल दें। तो ये जो एसटीपी होती है ना, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, कि आज मेरे पास अगर 10 लाख है तो 10 लाख मैंने डाल दिया और ये बोल दिया कि 1 लाख रुपए महीना करके अगले 10 महीने में लग जाए। तो ऐसी एसटीपी भी एसआईपी के नंबर में ही ऐड होती है। तो मेरे पास आज की डेट में वो एसआईपी वाला और एसटीपी वाला अलग अलग से नहीं है, पर तो ये 300 करोड़ जो एडिशनल हुआ है 1 महीने में, 11,500 से 11,300 करोड़ जो हुआ है नवम्बर से दिसंबर में, वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, परंतु ये बात बिल्कुल पक्की एसआईपी तो एक ऐसा बढ़िया टूल बन गया है जिसमें हर एक को लगता है कि यार अगर मेरे को पार्टिसिपेट करना है तो मेरे को एसआईपी तो करनी ही चाहिए। हर एक व्यक्ति की एसआईपी होनी ही चाहिए। एसआईपी हैज बिकम ए हाउसहोल्ड नेम और मैं इसमें पूरा जो इसका श्रेय दूंगा वो एम्फी को भी देना चाहूंगा कि ये म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन जो चलाया है। तो ये थे एसबीआई म्यूचुअल